सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर संघर्ष है ना कि आपने जैसे कि पढ़ाई करके सर सीएम बनने का संघर्ष आपका कैसा रहा, जैसे कि एक व्यक्ति दसवीं में फैक्ट या एग्जाम या वैकेंसी की तैयारी करने के लिए भीड़ जाता है ना, उसके बाद जैसे एग्जाम वैकेंसी आता है उसके बाद वो अपना तैयारी भीड़ जाता है, वो संघर्ष वही व्यक्ति जाता है जो दसवीं से तैयारी करता है सर है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कि आपने इस मुख्यमंत्री बनने के स्थिति में आपने शुरू से कैसे संघर्ष किया। ये सबसे खतरनाक सवाल। देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था अपने गांव से करीब 5.5 किलोमीटर दूर जाता था मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ने, तो मेरे गांव में दो नाला है स्कूल के जाते तक के, पुल नहीं सड़क नहीं, पैदल जाते थे है ना, बीच में नाले और उसके बाद भरका। भरका जानते थे? भरका नहीं जाना? हेलो ना नहीं सर नहीं जाना ये सर। भरका ये है कि जिन पानी गिरते ना तो जिन कन्हार माटी में गड्ढा हो जाते वो पानी भर रहे थे तो कूद कूद के जाते वही भरका है। यस सर समझ गए ना? यस सर। तो भरका तो वहां हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहां विधायक ही जरूर आते थे। यस सर। लंबी लंबी भाषण देते थे जैसे मैं दे रहा हूं। यस सर। उसको लेकिन हम लोग रुके रहते थे वो प्रसाद लेने के लिए। किसका? वो सेव और बूंदी का प्रसाद। अब छठवीं पढ़ रहे थे तो हमको भाषण से क्या लेने देना, लेकिन झेलते इसलिए रहते थे कि वो बूंदी का प्रसाद मिल जाए, वो खत्म करे हमको बूंदी मिले। लेकिन तब तक के झेलते थे। बैठे बैठे सोचता था मैं कि हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं पहुंची थी, सड़कें भी नहीं बनी थी, पुल भी नहीं था। तो ये सब पुल पुलिया सड़क पानी बिजली स्कूल कॉलेज खुलवाने का भी विधायक लोग करते हैं। यस सर। तो मैं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूंगा और मेरे गांव में सब सड़कें हैं ना उसको मैं बनवाऊंगा। यस सर। और फिर धीरे धीरे मैं यहीं अब कॉलेज में आ गया, साइंस कॉलेज में पढ़ता था, यहां से गांव चला गया खेती करने। नौकरी वोकरी की इच्छा थी नहीं। यस सर। गांव में खेती के बाद जो समय मिलता था वो जनसेवा में लगा देता था। धीरे धीरे कांग्रेस युवक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। यस सर। संगठन की गतिविधि समझने लगा। यस सर। उसके बाद विचारधारा बड़े नेताओं के जीवनी पढ़ने लगा, तब ये समझ आया कि लोगों के लिए क्या संघर्ष करना है और छत्तीसगढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जो पुरखों ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने के लिए ये सफर शुरू हुई और आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और युवाओं के साथ तो संवाद कर रहे हैं, साथ साथ वो उन्होंने अपनी उस जीवन यात्रा का भी जिक्र किया जिसमें शुरुआत कहां से हुई और आखिरकार वो एक सवाल के जवाब में बताया कि वो सीएम के पद तक कैसे पहुंचे।